नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूरल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नए आवास वितरण योजना का भूमि पूजन के साथ शुभारंभ हुआ। तिलक इंटर कॉलेज फिरोजाबाद में आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नए आवास योजना का नगर विधायक और महापौर द्वारा भूमि पूजन कर किया गया शुभारंभ। विकसित भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के नए आवास के कार्यक्रम का आज भूमि पूजन के साथ तिलक इंटर कॉलेज में शुभारंभ किया गया और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण किए गए। भूमि पूजन के दौरान उपस्थित रहे नगर विधायक मनीष असीजा, महापौर कामनी राठौर, नगर निगम नगर आयुक्त घनश्याम मीणा, वहीं सूचना विभाग अधिकारी दयाशंकर सिंह, अपर नगर आयुक्त और कर निर्धारण अधिकारी नीरज पटेल, पार्षद विजय कुमार शर्मा और उनके साथ मौजूद रहे लाभार्थी। रिपोर्ट देखिए रवि वशिष्ठ के साथ। कितने लोगों को आवास मिलने वाले हैं, क्या कुछ आज हो गया? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है उसमें 2.5 लाख रुपए प्रत्येक लाभार्थी को देने का प्रावधान है। तो उसी क्रम में अभी ये जो हमारे नए लाभार्थी चयनित हुए हैं, इसमें से कुछ लाभार्थियों को आमंत्रित करके उनके आवासों की पहली किस्त जारी होगी और इसके बाद उनके मकान बनेंगे। तो उसमें एक सांकेतिक पूजन का आयोजन हुआ है, हमारे मेयर साहब साथ में है। दूसरा यह है कि उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद में लगभग 45,000 से ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास लाभार्थियों को प्राप्त हुए हैं और ये अपने आप में पूरे भारत के इतिहास में इस प्रकार की योजना माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो ये अभी संचालित की जा रही है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। मैं भी पिछले 35-40 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ, 25 साल से लगभग जनप्रतिनिधि हूँ। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि इतनी आसानी से बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी कागजों की उधेड़ बुन के किसी भी व्यक्ति का अगर मकान है, जगह है, मकान टूटा फूटा है, टीन है, छप्पर है अथवा खंडर जैसा है या खाली प्लॉट है और उसकी ज़मीन के कागज भी नहीं है या पारिवारिक बंटवारा नहीं हुआ है, तो आपसी सहमति पत्र का एफिडेविट है या नगर निगम की या बिजली कंपनी की कोई रसीद है, उसके आधार पर भी बड़े पैमाने पर लाभार्थियों को आवास स्वीकृत हुए। ये माननीय मोदी जी का जो संकल्प है कि पूरे देश में कोई भी व्यक्ति बेघर नहीं रहे, बिना छत के नहीं रहे, ये उस संकल्प की पूर्ति का महाभियान है। तो मैं आज आप सबके चैनल के माध्यम से जो हमारे नए लाभार्थी हैं उनका जो एक औपचारिक भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है उसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूं। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के चरणों में नमन करता हूं कि इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में शासक नहीं है, सेवक है और ये जो समाज है वो प्रजा नहीं है, अभिभावक है। तो जैसे माता पिता की पुत्र सेवा करते हैं, ऐसे ही मोदी जी, योगी जी अपनी जनता की सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार। ने बताया शहरी प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत यहाँ तिलक इंटर कॉलेज में भूमि पूजन रखा गया है और 45,000 से ज़्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा फिरोजाबाद शहर में लाभार्थियों को, जिनके सिर पे छत नहीं थी उनको मकान आवास देने का काम किया गया है। वहीं पे कुछ पात्रों को आज यहाँ पर बुलाकर पहली किस्त दी जाएगी और यहाँ पर भूमि पूजन रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ और सभी पात्रों को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।